बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 का आखिरी वीडियो जिसमें डिस्कस करेंगे जी प्रीवियस एंट्री टेस्ट क्वेश्चंस। और एंट्री टेस्ट से मेरा मतलब ये होता है वो प्री मेडिकल का भी हो सकता है, प्री इंजीनियरिंग का भी हो सकता है, नस्ट हो या GIK हो, NMD कैट चाहे वो ले रहा हो, चाहे ईटा ले रहा हो जी, इससे मेरा कोई मतलब नहीं होता। मैं पास्ट पेपर से ही क्वेश्चंस उठाता हूँ, ठीक है जी। तो ऑप्शंस मेरे ख्याल में मैं इधर नहीं लिखूंगा, ज़रा अटेंटिवली आप सुनेंगे क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा होते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो हेडिंग देते हैं किस चीज़ की, चैप्टर नंबर 2 है ये, और ये है फिज़िक्स फर्स्ट ईयर, और हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या चीज़ है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जी प्रीवियस एंट्री टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। बिल्कुल, अब इसमें मैं ये भी नहीं कहूँगा जी कि ये 2010 में आया है, ये 2019 में आया है, ये 4 मरतबा रिपीट हुआ है, बस आया है तो आपको समझ आनी चाहिए। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे एंड में बताना है कि इसमें से कितने MCQs में आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं इंशाल्लाह उम्मीद जो है तो ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम, अरे चले 100% नहीं, 80% मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन द XY प्लेन इज व्हाट? सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर वुड बी व्हाट? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड, ठीक है जी। और XY प्लेन आपको गिवन है तो इसका मतलब A X कंपोनेंट विद I यूनिट वेक्टर, ठीक, और फिर प्लस ए वाई कंपोनेंट विद अ जे यूनिट वेक्टर, और अगर XYZ स्पेस होता तो ए जेड विद अ के यूनिट वेक्टर भी होता है इधर। यानी कि इसका मतलब यह है कि ए जो वेक्टर है उसके ऊपर एरो हेड होगा, ठीक है जी, और जो XYZ कंपोनेंट्स है उसके ऊपर एरो हेड नहीं होगा, IJK डायरेक्शन को शो करेगा XYZ, और IJK के ऊपर ये कैप होगा यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, देन आप एन को किस तरह प्रेजेंट करेंगे? अगर एन ए का यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। तो कह रहा है कि अगर ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर एन किस तरह होगा जी? तो एन यूनिट वेक्टर वुड बी, एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड को आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, और या फिर कुछ भी ना हो तो ये ए वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो ऑप्शन में गिवन हो, दोनों सही है। या फिर अगर उसको आप बोल्ड शो कर दें, इस ए को आप थोड़ा सा बोल्ड शो कर दें जी, ठीक है, और ये होगा जी वेक्टर ए डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एन यूनिट वेक्टर जो कि ए का यूनिट वेक्टर है, ठीक। थर्ड, Which of the following is a scalar quantity? तो आपको options given है जी, scalar quantity इसमें कौन सा है? तो scalar कौन सा होता है जी, जिसका only क्या होता है, magnitude होता है, direction नहीं होता। तो options है mass, acceleration, momentum, electric field intensity। तो acceleration का भी direction होता है, change of velocity की direction में होगा, और momentum का भी direction होता है, P=mv, जिस तरह velocity होगी उस तरह momentum होगा। electric field intensity आपने नहीं पढ़ी, second year में पढ़ लेंगे, लेकिन मास जो है तो वो इस इन ऑप्शन में वो क्वांटिटी है जो स्केलर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ कह रहा है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? तो चले इस क्वेश्चन को भी छोड़े, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एक मैग्नेटिक इंडक्शन है, और फिर EMF है, इसको छोड़े, आपने एक भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन EMF इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप अभी के लिए सिर्फ देखना चाहे, या अगर कोई रिपीटर ये वीडियो देख रहा है, सो EMF इज व्हाट इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, तो EMF जो है इसमें से स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच पेयर कंटेन्स वन वेक्टर एंड वन स्केलर क्वांटिटी? तो देखिए एक ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, तो ये तो दोनों वेक्टर्स हो गए। फिर है जी मोमेंटम और वेलोसिटी, फिर ये दोनों वेक्टर्स हो गए। फिर है पावर और स्पीड, तो ये दोनों स्केलर्स हो गए। और जो ऑप्शन है फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, तो ये सही है, फोर्स
और काइनेटिक एनर्जी जो है, तो इसमें जो फोर्स है वो वेक्टर है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्केलर है। काइनेटिक एनर्जी में मास है और फिर वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, तो वेलोसिटी स्क्वायर वो भी स्केलर आएगा डॉट प्रोडक्ट से। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स आर एडेड सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ही मैग्नीट्यूड ए माइनस बी से आता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि ए जीरो है, बी जीरो है, या एक भी जीरो नहीं है, या नन ऑफ द अबव है? तो इसके जरा मैं ऑप्शन इधर लिख रहा हूं जी, ए जीरो है कि बी जीरो है कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखे, अगर ए जीरो हो तो इधर प्लस भी आ जाएगा, इधर माइनस भी आ जाएगा। फिर अगर बी जीरो हो तो इधर प्लस ए है, इधर प्लस ए है, तो इसका मतलब है कि बी जीरो है इस केस में। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। सेवंथ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर बी जीरो हो जाता है तो उधर भी ए का मैग्नीट्यूड रह जाता है और राइट साइड में भी ए का मैग्नीट्यूड रह जाता है। ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक है। सेवन नंबर कह रहे हैं, टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड्स 3.5 न्यूटन एंड 5.5 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। 3.5 न्यूटन और 5.5 न्यूटन के फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर पॉसिबल रिजल्टेंट। तो पॉसिबल रिजल्टेंट की आपको एक रेंज पता होती है जी, कि एक होगा जी मैक्सिमम रिजल्टेंट जो कि आएगा इन दोनों को ऐड करने से, 5.5 प्लस 3.3 विच इज 8.8, और दूसरा होगा जी मिनिमम रिजल्टेंट जो कि आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, 5.5 माइनस 3.3, तो ये आ जाएगा जी 2.2 आता है ना जी। बिल्कुल नहीं, चलिए जो भी आता है 5.5 माइनस 3.3 से 2.2 ही आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये इन दोनों के रेंज के दरमियान लाई करेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर वन जो है वो 1.5 न्यूटन है, वो इस रेंज में लाई नहीं कर रहा। फिर जो है दूसरा ऑप्शन है 2.5 न्यूटन, वो इस रेंज में है। 4.5 न्यूटन वो भी इस रेंज में है, और 6.5 न्यूटन वो भी इस रेंज में है। तो 1.5 न्यूटन इस रेंज में नहीं है, और वो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल सम, तो इसका ऑप्शन आपको मिल गया, कैन नॉट बी द पॉसिबल सम। एट्थ क्वेश्चन, इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 3n, 3 न्यूटन, लेट सपोज मैं इसको ए एक्स कह रहा हूं, दिस इज 3 न्यूटन, एंड वाई कंपोनेंट इज अगेन 3 न्यूटन, वाई कंपोनेंट इज अगेन 3 न्यूटन, तो इसका कह रहा है एंगल ऑफ द वेक्टर क्या होगा। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स कंपोनेंट भी है पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो एंगल ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए इसके ऑप्शंस आपको गिवन है जी, 45, 315, 135 और फिर 225। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको चारों क्वाड्रेंट्स के एंगल गिवन होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप याद तो नहीं कर सकते ना, यानी आपको फॉर्मूला जो होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स होता है, यानी इधर आपका होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन जो कि 45 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज है। ये तो चले आपको 45 का तो याद है, लेकिन जनरली अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आपको एंगल ऐसा देगा जो आपको याद नहीं होगा तो वो आप जज करेंगे बाई द क्वाड्रेंट। ठीक है जी, यानी ये एंगल अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑप्शंस आपको दो नहीं देगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट के कभी भी। ये था जी एट नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज अंडर रूट 3, ए एक्स इज अगेन गिवन विच इज अंडर रूट 3, और द वाई कंपोनेंट इज गिवन विच इज व्हाट, द वाई कंपोनेंट इज 1, तो इसका एंगल क्या होगा जी, अगेन इसका एंगल वही होगा जो कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल होगा। जब ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको गिवन होंगे। आप इसी तरह से भी कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, सो 1 ओवर अंडर द रूट 3, और ये मेरे ख्याल में 30 डिग्रीज होता है, बिल्कुल 30 डिग्रीज होता है। ऑप्शंस में आपको 30 के साथ फिर 45 नहीं देगा जी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। टेंथ नंबर क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपको बता चुके हैं जी, ये रिजल्टेंट जब आप फाइंड करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड,
अगर ये होता है तो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज व्हाट, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर द सम द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम एंड द डिफरेंस इज इक्वल. आपको रिजल्टेंट वो जो फाइंडिंग रिजल्टेंट था उस वीडियो में आपको डिटेल से समझा चुके हैं. 11 नंबर कहता है जे डॉट के क्रॉस आई, जे डॉट के क्रॉस आई. सो देखिए के क्रॉस आई से क्या आएगा जी, जे आएगा कि नहीं आएगा, के क्रॉस आई से माइनस जे आते हैं मेरे ख्याल में, के क्रॉस जे से नहीं, के क्रॉस आई से जे ही आता है. ठीक है, तो जे जे डॉट जे से फिर क्या आ जाएगा जी, जे डॉट जे से वन आ जाएगा, जे डॉट जे से वन आ जाएगा क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी वन है और इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो भी जीरो आ जाएगा. 12th नंबर, टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर अप्लाइड. 12 न्यूटन और 6 न्यूटन के फोर्सेस अप्लाई होते हैं जी, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है. सो 12 और 6 तो आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको पता है जी कि 12 प्लस 6 से 18 इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा और मिनिमम रिजल्टेंट इसका 12 माइनस 6 से 6 हो सकता है, 18 आपका ऑप्शन है इधर. 13th, the resultant of a 6 newton force and 8 newton force acting at right angle to each other is of magnitude. So 6 और 8 का आपसे जो है पूछ रहा है, a is equal to 6 newton, b is equal to 8 newton और इनके दरमियान थीटा 90 degrees है, तो आपको पता है resultant होता है a squared plus b squared plus 2ab cos of theta. So cos of theta 0 हो जाएगा, directly a square और b square करें जी, 36 प्लस 64 मेरे ख्याल में 100 आएगा जी और इसका आंसर आएगा जी 10 न्यूटन. खुद इसमें पुट करें जी, 10 न्यूटन इसका आंसर आता है. 14th, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज ऑल्सो एफ. तो ये तो आपको हजारों मरतबा बता चुके हैं जी कि अगर ए वेक्टर बी एफ है, बी वेक्टर बी एफ है और इसका रिजल्टेंट बी एफ आता है, तो इसका मतलब ये है कि थीटा इनके दरमियान कितना है, 120 डिग्रीज है. इसी फॉर्मूले से प्रूफ करें जी, हज़ार मरतबा ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ. मैं प्लीज़ मैं दोबारा प्रूफ नहीं करना चाहता क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. इसी फॉर्मूले से प्रूफ होगा. ठीक है जी, इसमें पुट करें f, f स्क्वायर प्लस 2 f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. f स्क्वायर जो है कॉमन लेके कट जाएगा जी, फिर 1 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा रह जाएगा, ब्रैकेट के बाय 2 रह जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस ऑफ थीटा इज माइनस 1 ओवर 2, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 ओवर 2 और कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस 1 ओवर 2 जो है वो कितना होता है जी, 120 डिग्रीज होता है. 15 कह रहे जी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 2f. अगर a f है और बी एफ है और रिजल्टेंट जो है तो वो 2f है, तो कह रहा है कि इनके दरमियान थीटा कितना होगा जी. तो ये आपको बता चुके हैं कि अगर आपका एंगल जीरो होता है तो आप डायरेक्टली उनको ऐड करते हैं, डायरेक्टली उनको ऐड करते हैं इफ द एंगल इज जीरो. ठीक हो गया जी. सिमिलरली रिजल्टेंट आपका अंडर द रूट 2f होता है इफ थीटा 90 डिग्रीज होता है, और सिमिलरली r इज इक्वल टू f होता है अगर 120 डिग्रीज होता है, ये आपको पता है. 16th, द मैग्नीट्यूड ऑफ i डॉट j क्रॉस k इज, i डॉट j क्रॉस k का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, i डॉट तो पहले ब्रैकेट करें j क्रॉस k से, j क्रॉस k से अगेन आएगा i डॉट i से 1 आता है. ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया. अब देखें नीचे जगह है, बिल्कुल एक दो क्वेश्चंस की जगह है. 17 कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय अ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस जे. एक वेक्टर आपको गिवन है ए इज इक्वल टू आई माइनस जे, इसका एंगल आपसे पूछ रहा है. सो देखिए वाई कंपोनेंट इसका माइनस वन है, एक्स कंपोनेंट इसका प्लस वन है. सो थीटा जो होगा वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस वन होगा. अब ये आपको याद नहीं हो सकता, तो देखिए एक्स कंपोनेंट एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है. अब ये तो आपको 45 डिग्रीज दे देगा, ये तो आपको माइनस 45 डिग्रीज दे देगा. ठीक है जी, ये आपको माइनस 45 डिग्रीज देगा, लेकिन ये होगा विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट एक्स एक्सिस, और
और अगर माइनस में आपके पास आ गया तो क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या करते हैं, एंगल को फाइंड करने के लिए 360 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो एंगल है वो 360 माइनस 45 डिग्रीज है, जो भी आता है 315 है या 305 है, 315 है। लेकिन आपको ऑप्शन में चारों क्वाड्रेंट के एंगल गिवन होंगे, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, डायरेक्टली आप फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को टिक करें। 18 कह रहा है कि एक वेक्टर आपको गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है जी। सो लेट सपोज एक वेक्टर है ए, विच इज इक्वल टू व्हाट, 2i + j + 2k, 2i + j + 2k, और इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड होगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर द रूट, 2 2s are 4, 4 8 और 9 अंडर द रूट, और इससे आंसर आ जाएगा जी 3। 19 नंबर, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड, एक 20 न्यूटन है और दूसरा है 10 न्यूटन, दे एक्ट ऑन अ बॉड एट अ पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर पॉसिबल सम। तो अगेन देखिए जी, 20 प्लस 10 से 30 एक आता है मैक्सिमम, और फिर 20 माइनस 10 से मिनिमम आता है जी 10। तो आपका जो पॉसिबल सम है वो 10 से लेकर 30 के दरमियान होगा, जो इसमें नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर है। जिस तरह की इधर जो है तो कौन सा है, 35 न्यूटन इसमें नहीं है, ठीक है। 20, टू कंकरेंट फोर्सेस हैव अ मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 45 न्यूटन एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन, तो वो आपसे पूछ रहा है वो कौन से फोर्सेस है। तो आर मैक्सिमम आपको गिवन है 45 न्यूटन और आर मिनिमम आपको गिवन है दैट इज 5 न्यूटन, तो आपसे पूछ रहा है वो फोर्सेस कौन से हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शंस हैं उनको ऐड करें, जिनसे 45 आता है सब्ट्रैक्ट करें, जिससे 5 आते हैं वही है। यानी इधर ऑप्शन है 0 और 45, तो 0 45 करें तो मैक्सिमम तो 45 आ जाएगा, लेकिन मिनिमम भी 45 आएगा, ये नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन 5 और 9 है, तो 5 और 9 को ऐड करें 14 आता है, ये भी नहीं है। फिर है जी 25 और 20, तो 25 और 20 को ऐड करें तो 45 आता है, 25 और 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आता है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से जो फोर्सेस है वो 25 न्यूटन और 20 न्यूटन के है। 21st question, let A and B be any two vectors and theta be the angle between them, तो फिर B cos of theta क्या है, B cos of theta क्या है ये कह रहा है। तो देखिए A dot B से आपको पता है कि A dot B होता है जी A का magnitude, B का magnitude and cos of theta, या फिर आप लिख सकते हैं A times B of cos of theta, तो इसका मतलब B cos of theta is the projection of B along A, B cos of theta is the projection of B along vector A. ठीक, बिल्कुल ठीक। 22, the dot product of force and velocity is equal to what, is equal to power होता है, ये अभी नहीं पढ़ा, चले पढ़ लेंगे। Power is what, power is the dot product of force and velocity, और F V cos of theta, चले पढ़ लेंगे जब इसकी बारी आएगी। 23 कहता है A is equal to I plus K, B is equal to I plus J, A is equal to I plus K, B is equal to I plus J. Then the angle between them is what? The angle between them is what? तो ये आपको मैंने बताया था कि एंगल को किस तरह फाइंड करें, डॉट प्रोडक्ट से फाइंड करें। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। अच्छा, कॉज इनवर्स ऑफ क्या चीज, ए डॉट बी क्या है, आई को आई के साथ वन और के और जे नहीं है, ठीक है जी। और फिर ए का मैग्नीट्यूड भी अंडर द रूट टू है जी, और दूसरे का मैग्नीट्यूड भी अंडर द रूट टू है, तो इसका मतलब कॉज इनवर्स ऑफ वन ओवर टू मेरे ख्याल में 60 डिग्रीज है जी, ऑप्शन ए है जी, 60 डिग्रीज इन दोनों के दरमियान एंगल है। 24th question देखे जी, which of the following is an example of vector product, तो linear momentum है, vector product नहीं है, angular momentum, force, electric flux, तो angular momentum है, पढ़ेंगे जी, ये vector product होता है, L is equal to R cross P से आता है जी, ये आपको पढ़ाएंगे जब वक्त आएगा, chapter number 5 में आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, 25th number कहता है जी, If the scalar product of two non-zero vectors A and B is zero, तो इनका vector product क्या होगा? ये भी आपको already बता चुके हैं कि A dot B अगर zero है, तो इसका मतलब A और B non-zero given है, ठीक है? A dot B zero है, तो इसका मतलब है कि
cos ऑफ थीटा 0 है, जिसका मतलब है कि थीटा 90 डिग्रीज है. तो a डॉट b अगर 0 है तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा जी, मैक्सिमम आएगा ab. क्यों? क्योंकि sin ऑफ 90 वो 1 होता है. 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए इधर ही ऑर्डर में जाते हैं. 26 नंबर कहता है a डॉट b इज 0 देन a क्रॉस b वुड बी इक्वल टू, सो अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इधर आपको जो है ab विद एन यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का जिक्र इधर नहीं है. 27th कहता है if each vector of unit magnitude then a dot a is what, a dot a क्या होगा, a dot a दोनों का magnitude 1 है, so 1 magnitude into the other magnitude into cos of angle is 0 which is again 1, so इसका answer आ जाएगा जी 1. 28 a vector of magnitude 20 is added to a vector of 25, the magnitude of their sum might be. So, एक 20 है और एक 25 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्या हो सकता है, 20 प्लस 25 45 हो सकता है, या 25 माइनस 25 हो सकता है. सो इन दोनों के दरमियान जो ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए. 29th a डॉट b इज 1, a डॉट b आपको गिवन है कि 1 है, a डॉट b इज 1, a इज 2 b इज 1, a is 2, b is 1, theta आपसे पूछ रहा है. तो theta आपको पता है, theta is equal to cos inverse of a dot b 1 and divided by a का magnitude into b का magnitude, so 1 over 2 and this is 60 degrees. 13th number question. A person walks 10 kilometers north. तो चले मैं suppose करता हूँ कि ये origin है और origin से ये शुरू हुआ, 10 kilometers ये north गया, 10 किलोमीटर, ठीक है जी. फिर कहता है जी एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, फिर ये जाता है जी 20 किलोमीटर ईस्ट, और फिर ये 10 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ वापस आता है. तो कह रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक जो नेट डिस्टेंस है, तो वो नेट डिस्टेंस इसका ये है जी, और द फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है जी, 20 किलोमीटर है टुवर्ड्स ईस्ट. ये आपका 30th नंबर क्वेश्चन का आंसर है. 31 द वेक्टर p मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज विद द x एक्सिस. सो जो वेक्टर है p वो एक एंगल बना रहा है 120 डिग्रीज का, और जो दूसरा एंगल है q मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, ये आपका क्यू है जी, वो 30 डिग्रीज बना रहा है. तो क्या कहता है जी, देन देयर रिजल्टेंट इज, तो रिजल्टेंट इनका क्या होगा, तो देखे तो रिजल्टेंट के लिए आपको चाहिए क्या चीज, पी स्क्वायर्ड प्लस क्यू स्क्वायर्ड प्लस 2 पी क्यू और कॉज ऑफ थीटा, और वो थीटा क्या है जी, तो वो ये वाला एंगल है उनके दरमियान, विच इज व्हाट द टोटल एंगल 120 माइनस दिस एंगल 30, सो कॉज ऑफ 90, और ये आता है जी 0. तो इसका जो रिजल्टेंट का ऑप्शन है वो है पी स्क्वायर्ड प्लस क्यू स्क्वायर्ड, और अंडर द रूट को इन्होंने लिखा हुआ है पावर 1 ओवर 2. ये इसका आंसर है जी 31st नंबर क्वेश्चन का. 32 कहता है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड a माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर है जी. इधर ही लिखता हूं अगेन, a प्लस b का मैग्नीट्यूड इक्वल है a माइनस b के मैग्नीट्यूड के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b परपेंडिकुलर है, थीटा इन दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज है, ये बार बार रिपीट होता है जी. 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जी, कि अगर आपके पास दो फोर्सेस है और उनका जो सम है वो क्या है जी 16 न्यूटन है, और उनका रिजल्टेंट 8 न्यूटन है, तो और अगर रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है तो उसका क्या वो फोर्सेस कौन से है. तो ये अगर रिजल्टेंट 8 न्यूटन परपेंडिकुलर है और ये स्मॉलर फोर्स है ये लार्जर फोर्स है, तो देखिए क्या मैं इधर से रिजल्टेंट को नहीं लिख सकता हूँ, जो हाइपोटेन्यूज है बेस स्क्वायर्ड माइनस माइनस व्हाट माइनस दी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, क्या होता है जी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड माइनस बेस स्क्वायर्ड, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड माइनस बेस स्क्वायर्ड, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड माइनस बेस स्क्वायर्ड, और इधर जो स्मॉलर और लार्जर है उनको आप ऑप्शंस में चेक कर ले. तो देखिए ऑप्शंस आपको गिवन है 12 और 4, तो ये तो दोनों 16 आते हैं, फिर 8 और 8 भी 16 है, और 6 और 10 भी 16 है. तो इधर देखिए हाइपोटेन्यूज जो होगा वो लार्जर वाला होगा, ठीक है, तो 10 स्क्वायर्ड और माइनस ये स्मॉलर जो है वो 6 है जी,
तो अगर इस तरह मैं करता हूँ 6 स्क्वायर तो देखिए 64 आता है अंडर द रूट और इससे 8 ऑप्शन आता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है. 34 इन थ्री डायमेंशनल स्पेस टू वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर. कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं जी? अगर वो अलॉन्ग द सेम लाइन हो. कोलिनियर का मतलब है अलॉन्ग द सेम लाइन, इसका मतलब है कि पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं. इसकी आपको समझ आ गई है, एक एग्जांपल भी मैंने आपको करवाया था जी मेरे ख्याल में. 35 थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन थ्री साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ये एक्ट कर रहे हैं जी, तो देखिए उनका रिजल्टेंट क्या होगा जी? तो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, मैंने आपको बताया था जी, या नल वेक्टर होगा. देखिए बाय हेड टू टेल रूल अगर मैं ऐड करता हूं जी तो क्या आता है? क्लोज पाथ बनाते कि नहीं? मैं वापस अपने पॉइंट पर आ गया, रिजल्टेंट जीरो. 36 द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हु वेक्टर सम कैन बी जीरो. मिनिमम अनइक्वल फोर्सेस जिसका रिजल्टेंट जो है वो जीरो आ सकता है वो कितने हैं जी? वो 3 है, आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. 37th A body in equilibrium must not have. तो अगर equilibrium है तो equilibrium के लिए क्या होना चाहिए? Acceleration नहीं होना चाहिए. A body in equilibrium must not have acceleration. 38 The minimum number of equal forces to keep a body in equilibrium. So minimum equal forces for equilibrium कितने हैं जी? 2 है, आपको already बता चुके हैं. 39 टू और मोर वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन. तो अगेन ये वही कोलिनियर की बात आ गई. कोलिनियर क्या होता है? अलोंग द सेम लाइन होता है, पैरेलल होता है या फिर एंटी पैरेलल होता है. 40 इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम देन दीज ऑल फोर्सेस आर. तो इसका ऑप्शन है जी कंकरेंट. अगर थ्री फोर्सेस आपको गिवन है, थ्री कोप्लेनर फोर्सेस है और एक्ट कर रही है और फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि ये फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस है. नॉन कंकरेंट नहीं, पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर हो तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं होगा जी. कंकरेंट अगर हो तो फिर ये इक्विलिब्रियम में बॉडी को रख सकती है. 41 कहता है जी द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपका एंगुलर फोर्स प्रोड्यूस करता है और वो होता है जी टॉर्क. और इसकी रिलेशन हम एक और भी पढ़ेंगे, आई अल्फा. सो टॉर्क जितना ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. 42 द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज. तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो या क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा. लेकिन इधर जो पूछ रहा है तो वो पूछ रहा है जी कि वो परपेंडिकुलरिटी वाला पूछ रहा है फॉर्मूले से. तो टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है और क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी आता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ द टू. सो टॉर्क वुड बी परपेंडिकुलर टू आर, टॉर्क वुड बी परपेंडिकुलर टू द फोर्स, टॉर्क वुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ. ये 42 नंबर हो गया जी. 43 बस करें ना यार, और कितने हैं? कुछ तो आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ तो आप खुद भी कर सकते हैं ना यार. 43 के कह रहे जी द मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स 0.6 न्यूटन. 43 नंबर में आपको फोर्स गिवन है 0.6 न्यूटन टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 0.48 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और ये मैक्सिमम गिवन है. तो मैक्सिमम का मतलब है कि साइन आपको ऑलरेडी दे दिया है कि एंगल 90 है क्योंकि साइन ऑफ 91 होता है और मोमेंट आर्म आपसे पूछ रहा है. सो आर वुड बी इक्वल टू व्हाट? टॉर्क अपॉन फोर्स. सो टॉर्क इज 0.48 डिवाइडेड बाय 0.6, तो इससे आ जाएगा जी 0.8 मीटर मेरे ख्याल में आता है. जो भी आता है इसको कन्फर्म करें. 0.8 आता है जी, बिल्कुल, चले जो भी आता है. 44th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे जी? 44 कह रहे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स. सो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको क्या कह रहा है जी? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द बॉडी इज जीरो. इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी वुड हैव द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा जी. दिस इज फॉर लीनियर फोर्सेज, न्यूटन फर्स्ट लॉ. सो मैं इसको इसलिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कह रहा हूं. 45th द पॉइंट एट विच द अप्लाइड फोर्सेज प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन बट नो रोटेटरी मोशन. 45th वो पॉइंट जिस पे लीनियर मोशन तो है मगर रोटेटरी मोशन नहीं है, वो पॉइंट क्या है जी? वो पॉइंट है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. आपको समझा चुके हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, सेंटर ऑफ मास भी. ठीक है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ है, सेंटर ऑफ मास का ताल्लुक मास के साथ है.
ठीक है। और 46 जो इसका आखिरी क्वेश्चन है, टू इक्वल एंटी पैरेलल नॉन कंकरेंट, 46 कह रहा है टू इक्वल एंटी पैरेलल नॉन कंकरेंट forces that produce angular acceleration or what, तो इसका option तो आपको आना चाहिए। चलिए ये comment section में मुझे बताएं, ना बताएं यार comment section में, वो forces जो equal भी है, anti-parallel है और concurrent भी नहीं है, एक point पर भी नहीं है, तो वो कौन से forces है, वो couple forces है। तो क्या आपको बताया नहीं था जी, ये let's say एक steering wheel है, ये एक इस side पे लग रहा है, एक इस side पे, anti-parallel भी है, equal भी है और concurrent भी नहीं है, तो ये couple forces है। वीडियो मेरे ख्याल में जरा सी लंबी हो गई, लेकिन क्वेश्चन भी काफी ज्यादा थे, जरा इंफॉर्मेटिव भी है, जरा स्पीड भी लगाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी जी। चैप्टर के साथ हमारा काम खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में जहां चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।